हेलो गाइस, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को निद्रा से कैसे उठाए। तो सबसे पहले इनकी आप इनको थोड़ा सहलाए, इनके हाथ पैर दबाए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो एकदम से तो नहीं उठता। आप उसको पहले प्यार करते हो, सहलाते हो, वो तब जाके उठते हैं ना। हाँ, तो इनकी प्यार से चद्दर उतारनी है। अब इनको बोलो, हे लड्डू गोपाल, आपकी यशोदा मैया, नंद बाबा, राधा, बलराम था वो आपको ढूंढ रहे हैं। उठ जाइए, सुबह हो गई है और इससे उठ जाएंगे। लेकिन इनको पहले तो ना प्यार करना होगा। देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, इनके हाथ पैर दबाओ, इनको सहलाओ। अब इनको बिठा देने, एकदम से इनको इनके सिंहासन पे नहीं बिठाने, क्योंकि बच्चा निंद्रा में होते तो वो अपने सिंहासन से गिर भी सकते हैं। तो उनको बेड पे ही बिठाए रखें। तो सबसे पहले इनको आप कुल्ला करवाइए, इनको पानी पिलाइए। आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इनको करना है। अब आपको जिसमें भी आप इनको पानी पिलाते हैं उससे आपको इनको कुल्ला करवा देना है। कृष्ण जी का कुल्ला हो चुका है, आप इनको इनके सिंहासन पे रख देना है। देखिए, आपको इन्हें सिंहासन पे बैठा देना है। और अब इनके नहाने का समय होगा। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल के रख दिए। आज ये सतरंगी कलर के कपड़े पहनेंगे और ये इनकी पीली पीली चूड़ियाँ और इनकी ये बांसुरी। आ जाइए, अब लड्डू गोपाल जी को इनके स्थान पे बिठाते हैं जहाँ पे स्नान करेंगे। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम प्यार से मिलाते जिससे कि उनको ठंडा पानी ना लगे और उनको कोई तकलीफ ना हो, तो हम ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। इनके अच्छे से ये साफ कर देना है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों का भी गंदा हो जाता है सारा शरीर, तो इनका भी होता है। बस हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया, तो अब इनको इनके तौलिए से पोंछ देना है। बहुत ही प्यार से पोंछना है जिससे कि इनको कुछ दर्द ना हो। अब इनको इनके सिंहासन पे बिठा देना है। देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए, तो इनकी सरसों के तेल से मालिश करनी है जिससे कि इनको बहुत ही अच्छा लगे और इनके पूरे दिन हाथ पांव में दर्द ना हो। आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। और अपने लड्डू गोपाल जी को
मालिश हो चुकी है, अब इनको इनकी वस्त्र बना देने और इत्र लगा देने। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण जी की मालिश करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। उनको इत्र लगाती हूँ मैं इसलिए क्योंकि उनको इत्र बहुत प्रिय है। तो अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी कृष्ण जी आपकी प्रार्थना ऐसी स्वीकार कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी देखो आप लोगों को कैसे देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मैं इनको इतना बाद में लगाऊंगी, तो सबसे पहले इनको इनकी वस्त्र बनाते हैं। तो बहुत ही प्यार से इनको वस्त्र के अंदर डाल लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार इनको उनके वस्त्र के